एक्शन। सबसे पहले मैं आलोक शर्मा जी का रुख करता हूं। भाई आलोक शर्मा जी, सबसे ज्यादा विरोध की आवाजें कांग्रेस से उठ रही हैं प्रधानमंत्री की साधना को लेकर के। इस साधना में गड़बड़ी नजर आ रही है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। जो सवाल आपने दो तीन उठाए कि 14 में क्यों नहीं किया, 19 में क्यों नहीं किया, तब भी सवाल उठाए गए थे। और ये पहली बार नहीं है कि राजनीतिक नौटंकी पहली बार हो रही है। ये कोई साधना नहीं है, ये शूटिंग है। और देश की जनता साधना और शूटिंग में फर्क समझ गई है कि आप जनता को गुमराह करने के लिए। तो आलोक जी, जनता को खारिज करने देते ना इसे। चुनाव प्रचार आप साधना को नौटंकी बताकर आपको नहीं लग रहा फिर सनातन पर हमले के दोषी बनने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब फिर बीजेपी को लगेगा कि आप साधना को नौटंकी बता रहे हैं तो आप सनातन पर हमला कर रहे हैं, हिंदू धर्म पर हमला कर रहे हैं। यही तो तीर है उनके पास। अनुराग जी, मैंने कहा राजनीतिक नौटंकी है, मैं अपने शब्दों पर खड़ा उतरा। अच्छा, ठीक। और मैं अपनी बात पर कायम हूँ। पूरी तरह से राजनीतिक नौटंकी है, उसके अलावा कुछ नहीं। जो व्यक्ति ध्यान और साधना करता हो वो 24 घंटे झूठ नहीं बोलता है। जो व्यक्ति ध्यान और साधना करता हो वो देश के अंदर नफरत और द्वेष नहीं फैलाता है। जो व्यक्ति साधना करता हो वो झूठ बोलकर दूसरे के मैनिफेस्टो पर प्रचार नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता अब समझ गई है। केदारनाथ गए हों, चाहे वो पशुपतिनाथ गए हों, महाराष्ट्र गए हों, कहीं भी गए हों, तब भी सवाल उठे थे कि आप प्रत्यक्ष रूप से अब अगर प्रचार नहीं कर सकते हो तो आपने एक दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है। दूसरी चीज आपने कहा वो अकेले थोड़ी जा रहे हैं, कुनबे के साथ नहीं जा रहे। देखिए, कुनबा तो शब्द मीडिया के साथियों को यूज ही नहीं करना चाहिए मोदी जी के लिए, क्योंकि फिर हम कुछ कहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं मीडिया कवरेज से है आलोक जी, सुनिए ना भाई, साधना से कांग्रेस, सुनिए तो बताइए। सुनिए तो सही। सबसे ज्यादा दिक्कत हमें गोदी मीडिया से, जो गोदी मीडिया उनका परिवार बन के कैमरे लेके वहां जाएगा। हाँ। और जो लाइव प्रसारण करेगा उससे सबसे ज्यादा दिक्कत है। अच्छा। क्योंकि गोदी मीडिया ने पिछले 10 वर्षों से मोदी जी का मदद करने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ। है करवाली बेइज्जती, इससे सबसे ज्यादा दिक्कत हमें यह है। मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। एक बात है आलोक साहब ने भी जिस आपके इस गोदी मीडिया वाले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आलोक जी बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। मैं फिर कहूंगा मैंने आपको गोदी मीडिया नहीं कहा, लेकिन नहीं, आप सफाई देने मैंने अपने ऊपर लिया भी नहीं और हम हैं भी नहीं। अरे सुनिए ना भाई, मैं ओवरऑल मीडिया की बात सुनिए ना जरा। आप तो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बहस कर रहे हैं अनुराग भाई। ये कई बार, अरे आलोक जी, मजेदार बात ये है कि कई बार क्या होता है कि मैं कांग्रेस की कोई चुप हो जाता हूँ भाई, विपक्ष कांग्रेस का भी मेरे को प्रवक्ता कह देते हैं, लोग मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता। अनुराग भाई मैं चुप हो जाता हूँ, आप ही बोल लीजिए। नहीं नहीं, आपने मेरे ऊपर सवाल उठाया सर, तो मेरा बोलना जरूरी है। देख रहे होंगे कि किस तरह कितनी बार आप प्रवक्ता की हैसियत से आपको याद नहीं दिला। अब मैं उत्तर दूं? बिल्कुल दीजिए। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि जिस दिन वोटिंग होती है और उस दिन किसी ने साधना की हो कांग्रेस से और किसी ने इस तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनाव प्रचार करने का काम किया हो, तो मैं कहूंगा कि मीडिया के साथ ही बिल्कुल ना दिखाएं उसको। और आज तक हमने ऐसा नहीं किया है। दोनों चीजों में फर्क समझना होगा। नॉर्मल डे में गंगा का आचमन लेना और मंदिर जाना, और जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन राजनीतिक नौटंकी करना साधना के नाम पर, इन दोनों चीजों में फर्क है। और वो शायद मीडिया के साथ ही नहीं समझ पाएंगे, और गोदी मीडिया तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उनके तो कैमरे पहुंच चुके हैं वहां। अरे भाई, साधना को आप दिखा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के, और पूरा हिंदुस्तान का मीडिया वहां पहुंचेगा। हाँ। मतलब किसी की साधना को दिखाने के लिए, और फिर आप कहें कि हमें गोदी मीडिया मत कहिए। मुझे दुख होता है इस बात का कि आपने अभी इतनी बड़ी घटना मध्य प्रदेश में हुई, एक बच्ची और उसके चाचा, उसके भाई, सबकी हत्या हो गई, एम्बुलेंस से गिर के उसकी भी मौत हो गई, किसी एक मीडिया चैनल ने कोई ताल ठोक के नहीं किया, किसी ने हल्ला बोल नहीं किया, फिर आप कहेंगे कि गोदी मीडिया मत कहिए हमें। मैं फिर कहूंगा आपको कि अगर आपको लगता है कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिस दिन वोटिंग है उस दिन मंदिर जाकर कहीं फुटेज खाना चाहता, बिल्कुल मत दिखाइए आप, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? आप लोगों को दिन भर डिबेट बता रहे सर, जरूरी नहीं है कि कोई मुद्दा ताल ठोके में आए। हो सकता है कि सुबह 10 बजे की डिबेट में हम उसे ले चुके हों, 4 बजे की डिबेट में ले चुके हों, यहाँ दिन भर डिबेट चलती है, डिबेट होती है। अगर मध्य प्रदेश की इतनी बड़ी घटना पे आपने 10 बजे भी डिबेट की होगी, अनुराग जी मैं माफी मांगूंगा। अच्छा ठीक, अभी माफी मांगूंगा। ठीक है, अभी दिखाइए मुझे पर डिबेट की आपने, उस मुद्दे पर भी बात कर लेंगे भाई। उत्तर दीजिएगा, बाकी मेहमान भी है उनको भी शामिल करना मुझे।
देखिए इतनी बड़ी, इतनी गलत बात और इतनी गंदी बात बोली गई और गोदी मीडिया का एंकर चुपचाप ठीक है। नहीं आप मुझ पर सवाल उठा रहे हैं क्या? आप मुझ पर सवाल उठा रहे हैं? मैं आपके ऊपर सवाल उठा रहा हूँ। अच्छा जब बैंकॉक आपने कह दिया और हमने मान लिया, टिप्पणी की आपने कह दिया और हमने मान लिया। अरे सुन तो लो भाई। हाँ अरे सुन तो लो ना, मत मानो ना भाई, कौन पूछ रहा है, मानो आप। हाँ हम तो कह रहे हैं। तो आपसे किसने कहा कि आप सवाल उठाएंगे भाई? कि किस मानसिकता के सतह पर यहाँ इस डिबेट में आप सिर्फ अपने मन की बात करने के लिए थोड़ा ही आते हैं। मैं तो आपसे बहुत बुनियादी सवाल पूछ रहा हूँ। अरे भाई जली ना तेरी भी जली ना। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो प्रूव कर रहे हैं। आप अपनी गलती को छुपाने के लिए एक के बाद एक गलती करते चले जाओ। ठीक बात है, अच्छी बात है। एंकर की भूमिका है एक सांसद के ऊपर, एक सांसद के ऊपर आरोप लगे तो एंकर की भूमिका है कि रोका जाए। हाँ सही बात है, निजी टिप्पणी ना की जाए। लेकिन आपने नहीं रोका, आपने हमेशा हर दो सेंटेंस के बाद मुझे रोका और आपने मुझ पे सवाल उठाया इसलिए मैंने रोका। एक बार भी आपने मुझ पे सवाल उठाया इसलिए मैंने रोका और मैं 10 बार रोकूंगा। मुझ पे सवाल उठाएंगे तो राहुल गांधी पे सवाल उठेगा तो आप रोकेंगे, मैं नहीं रोकूंगा। सवाल मैंने जितने सवाल उठाए मैं उन पर कायम हूँ और पूरे दर्शक भी समझ गए होंगे। समझ गए? अरे सर दर्शक नहीं, पूरी जनता समझ रही है। कहता हूँ पूरी जनता समझ रही है। अरे सब समझ रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चार तारीख के बाद हम इस पे भी चर्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि अगर राहुल गांधी जी ने वेनाड में कैंपेन किया, कहीं पर कैंपेन किया और वो एमसीसी का वायलेशन था तो इलेक्शन कमीशन में बीजेपी क्यों नहीं गई, क्यों नहीं जाकर कंप्लेंट लॉन्च कराई? हम फिर बार बार कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री साधना करेंगे और लोग वहां पर स्मार्टफोन लेके घूमेंगे और देश कहेगा कि साधना हो रही है। मतलब गजब आप लोग बात कर रहे हैं। अरे भाई देश के प्रधानमंत्री अगर साधना करेंगे और 500 कैमरे वहां पर जाकर लग जाएंगे तो उसको राजनीतिक नौटंकी क्यों ना कहा जाए? अच्छा अच्छा सर, मैंने मैंने, मैंने 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 अगर माना। देश के प्रधान बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। तो राहुल बुलाते हैं क्या? अरे सुनिए भाई राहुल गांधी, अरे सुनिए ना अनुराग भाई, अगर राहुल गांधी कहीं पूजा करने जाए और मीडिया को बुलाया गया हो कि मैं पूजा कर रहा हूँ, आइए। 22 नवंबर 2022 की तस्वीरें चल रही हैं, अगर टीवी पर देख लीजिए राहुल गांधी की आरती करती हुई तस्वीरें। अगर तस्वीरें मीडिया को बुलाया था क्या राहुल गांधी ने? उस दिन का प्रेस इनविटेशन मैं आप बताइए ना, मीडिया तो आप हैं। नहीं नहीं आप बताइए ना। अरे वाह कमाल कर रहे हैं, वहां पर जाएंगे। अरे भाई मुझे, अरे भाई गजब कर रहे हैं आप। अगर हमने बुलाया हो, इन्विटेशन दिया हो, हम गुनहगार हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप गए हैं स्वतः, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। सुनिए पूजा और साध, एक मिनट सुनिए ना भाई, पूजा और साधना में भी बहुत फर्क है। पूजा खुले में की जाती है, मंदिर में जाकर माथा टेका जाता है और साधना हमेशा से एक ऐसी चीज है जो व्यक्तिगत आस्था का विषय होता है। साधना का कोई शूटिंग कराएगा तो राजनीतिक शूटिंग कहा जाएगा उसको। ठीक है, उसको जरूर कहा जाएगा कि राजनीतिक नौटंकी है। और राजनीतिक नौटंकी, राजनीति के अंदर अगर धर्म का उपयोग करके की जाती है तो एमसीसी का वायोलेशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, और इसीलिए हमने कंप्लेंट की है। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य है अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर हिम्मत है तो वो कहे कि आपकी कंप्लेंट गलत है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से इनके इशारे पर काम कर रहा है कि आप कंप्लेंट कीजिए, ना तो उसको रिजेक्ट किया जाता है और ना उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। चुप मार के बैठ जाओ मोदी जी की तरह गम खा के। मुझे लगता है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो भी पूरा देश देख रहा है, और जिस तरह से गोदी मीडिया कर रहा है वो भी पूरा देश देख रहा है। ठीक है, टी से घनश्याम तिवारी हमारे साथ हैं। घनश्याम तिवारी जी, अब देखिए कन्याकुमारी तो पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अखिलेश यादव ने कहा है कि अब इसके आगे तो पानी ही पानी है और यहां हिंदुस्तान में गर्मी ज्यादा है तो अंटार्कटिका हो सकता है जाने का प्लान हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि उसके बाद तो कोई रास्ता उससे आगे बचता नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। नमस्कार अनुराग जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को जी नमस्कार। सर हमारी बड़ी चर्चाएं हुई, क्या आप 2012, 2014, 2017 जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, 2019 जब देश का चुनाव दोबारा हुआ था, या जब गुजरात का चुनाव हुआ था उससे पहले, या उसके बाद जब बंगाल का चुनाव हुआ, इन चुनावों में क्या आप एक भी चुनाव ऐसा बता सकते हैं जब प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दिन या अभियान खत्म होने वाले दिन कोई ऐसी ऐसा कर्तव्य न दिखाया हो जिसको पूरे दिन मीडिया ने कवर नहीं किया हो, या जिसके बारे में चुनाव आयोग से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन की कंप्लेन नहीं हुई हो? अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है जिसको पता है कि हर बार वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करेगा, उसके साथ एक मीडिया मंडली रहेगी जो लगातार उस पर फोकस करती रहेगी। आपके दर्शक जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी अपनी नकली साधना कर रहे थे, क्योंकि मैं मानता हूं
कि अगर आप लाखों के क्या सूट पहन रहे हैं, 8-12 करोड़ की गाड़ी में चल रहे हैं, आप लाखों का चश्मा पहन रहे हैं, लाखों का रुमाल इस्तेमाल कर रहे हैं, लाखों का पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, 10 साल से अपनी गरीबी की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप कोई संत तो नहीं है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। और अगर आप संत होते तो आप देश के चुनाव अभियान को मुजरा नहीं कह रहे होते, आप प्रज्वल रेवन्ना जैसे दानव का हाथ पकड़ के ये नहीं कह रहे होते कि इसको मजबूत करो, इससे मैं मजबूत होता हूँ, और आपकी सरकार एडी का पसीना चोटी तक नहीं ले जा रही होती कि गुजरात में बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए, या IIT BHU के रेपिस्टों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए, या ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाए, जब हमारे खिलाड़ी सड़क पर थे, प्रधानमंत्री कार्यालय और उनके घर के सामने अपने पदक दे रहे थे, या 700 किसान शहीद हो गए। जब आपने इतने अत्याचार किए, किसानों को के ऊपर गोलियां चलाई, बेटियों को रोने पे मजबूर कर दिया, और उसके साथ साथ चुनाव दर चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया, तो ये सवाल तो लाजमी है कि प्रधानमंत्री का जो इंटेंट है वो नौटंकी है, संत का काम तो नहीं है। और वो नौटंकी इसलिए सफल होती है क्योंकि देश की मीडिया दिखाता है, जैसे अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज दिखाया कि प्रधानमंत्री जी का जहाज लैंड हो रहा है, ये कौन सा ब्रेकिंग न्यूज है? ये देश के दर्शकों को जो लोग वोट डालने जा रहे हैं, नहीं तो हमें बात पूरी कर लीजिए। जो देश में बेरोजगारी चरम पर है, जिस सरकार ने युवाओं का रोजगार खत्म कर दिया, अग्निवीर जैसी योजना लाई, मैं सेना के परिवार से हूँ, हर सैनिक के परिवार का मनोबल तोड़ा, अगर अग्निवीर जैसी योजना होती तो मुझ जैसे लोग केंद्रीय विद्यालय में नहीं पढ़ते, या NIT सूरतकल में नहीं पढ़ते, या अन्य जगहों पर हार्वर्ड में नहीं पढ़ते। तो आपने हर सैनिक सेना के परिवार का मनोबल तोड़ा, आपने हर किसान परिवार का मनोबल तोड़ा, आपने हर बेटी का मनोबल तोड़ा, अब आप कह रहे हैं कि चुनाव मुजरा है और मैं भगवान हूं और मैं संत के रूप में करोड़ों के जहाज में लाखों का सूट पहन के, लाखों का चश्मा पहन के, लाखों का पेन पहन लेकर के, लाखों का रुमाल लेकर के साधना करने जा रहा हूं। केवल मूर्ख लोग ही इसको संत की परिभाषा में डालेंगे, वरना आम आदमी इसको नौटंकी ही कहेगा। ठीक है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब एक बात सुनिए घनश्याम तिवारी जी, कि आपने पूछा कि प्रधानमंत्री कन्याकुमारी पहुंचे, इसमें कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है? जब सैफई महोत्सव मीडिया दिखाता है ब्रेकिंग न्यूज करके कि भाई सैफई महोत्सव का उद्घाटन हुआ, सैफई महोत्सव में ये पहुंचे वो पहुंचे, तब आप आपत्ति नहीं उठाते। खैर मैं इस पर नहीं जाऊंगा, मैं सीधे एक आप चले गए तो जवाब सुन लीजिए। हाँ, जवाब दे दीजिए, आगा नहीं करते। हाँ, इस चुनाव से क्या लेना देना है? मैंने कहा इस चुनाव में जब वोट, एक सेकंड आप टोकिए मत, मैंने आपकी बात, आपकी टिप्पणी सुनी, मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, जनता जब वोट डालेगी, चुनाव का कैंपेन करने का समय खत्म हो रहा है, जनता जब वोट डालेगी, इस ब्रेकिंग न्यूज का क्या महत्व है कि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है या प्रधानमंत्री कहीं बैठ करके नौटंकी कर रहे हैं, इस ब्रेकिंग न्यूज का क्या मतलब है? लेकिन 2 दिन तक मीडिया इस नौटंकी को संत का स्वरूप देकर के दिखाएगी, और टिप्पणी उस पर थी, इसका सैफई महोत्सव से कोई लेना देना नहीं है, आपकी बात एक कुतर्क है। अच्छा, मेरी गजब बेइज्जती है। आलोक शर्मा जी, पहली बात तो ये कि कई बार जब चुनाव नतीजे आते हैं तो आप EVM में गड़बड़ी की आशंका जताते हैं, आशंका नहीं जताते हैं, आरोप लगाते हैं। अब आपको PM की साधना में गड़बड़ी नजर आ रही है, जबकि आप ये भी मानते हैं कि जनता जो है वो मीडिया की खबरों से प्रभावित नहीं होती, जनता जो होती है किसी भी सरकार की डायरेक्ट बेनिफिशियरी होती है या नहीं होती। अगर एंटी इनकम्बेंसी होती है, जनता खारिज कर देती है, अगर उसे लगता है कि सरकार उसके लिए बेनिफिशियरी काम कर रही है तो वो उसको फिर से चुनती है, अपने नेता को सरकार, अपना नेता और सरकार चुनने के लिए जनता स्वच्छंद होती है। आप मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई मीडिया के कैमरे वहां जाएंगे, मीडिया प्रभावित करेगा। पहली बात तो ये मान लीजिए, अपनी बात पर अडिग रहिए कि मीडिया की खबरें देख करके जनता प्रभावित नहीं होती। अब चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। अगर मीडिया को देखकर जनता प्रभावित नहीं होती तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी नहीं है। आप क्या कह रहे हैं अपनी बात से? और इसी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आपने बैन होने दिया सर पंजाब में। आप बीच में बोलेंगे, दिक्कत ये है भाई, दिक्कत यही तो है ना। बोलिए बोलिए, आप सेंटेंस में बोलता हूँ, आप कूद पर। अच्छा बोलिए, नहीं मेरे को तकलीफ है, मुझे दर्द है ना, दर्शकों ने देखा, दर्द भी तो आपको बताऊंगा, आप बड़े भाई हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आप अपने वाक्य को सुनिए। अनुराग जी क्या कहा आपने? आपने कहा मीडिया का कोई प्रभाव नहीं है चुनाव पे, तो बंद कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि मीडिया के प्रभाव में आकर के वोट नहीं देती जनता, आपने जो प्रभाव में आकर के जनता आकलन करती, जनता को मूर्ख मत समझिए आप शर्मा जी। मैं फिर कह रहा हूँ फिर ये पॉलिटिकल डिबेट बंद कर दीजिए। क्या TRP के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए करते हैं आप? हम तो आपको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं, लेकिन आप लोगों की सोच ही ऐसी हो गई है, इसलिए आपके मुंह से वाक्य मिला। वापस आता हूं। नहीं नहीं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मान रहे हो तो आप मीडिया को बैन थोड़ी करते सर। चलिए, फिर आप कहेंगे मैं खुद बड़ा आपत्ति कर दी। आप अपनी बात, मीडिया
आप हर वाक्य के बाद बोले हैं, पूरे शो को देखिएगा शांति से बैठकर, और हमने यही आप कहा भी चुप नहीं रहे हैं, आप सबसे ज्यादा बोले हैं। बोलिए आलोक जी। अरे भाई सुनिए ना भाई, सुनिए तो मेरी बात सुनिए। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया को आज शर्मसार होना चाहिए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 साल में मोदी जी से नहीं करा पाए आप लोग। आप लोग अपने आप को पत्रकार कहते हो, 50 पत्रकारों की हिम्मत नहीं हुई कि चिट्ठी लिख दे मोदी जी को कि मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। लेकिन सबकी आत्मा को खरीद लिया है मोदी जी ने। अगर कहीं 50 पत्रकारों ने चिट्ठी लिखी हो तो नाम बताइएगा मुझे जरूर। वापस आता हूँ, आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। ये साधना नहीं राजनीतिक नौटंकी क्यों है? क्योंकि इसमें मुद्दों को भटकाया जाएगा। जिस तरह आपने अभी ब्रेकिंग न्यूज दिखाई, मोदी जी 700 किसान मर गए, नोटबंदी में सैकड़ों लोग लाइन में मर गए, निर्भया जैसे सैकड़ों केस हो गए देश में, एक आंसू नहीं निकला उस आदमी के आंखों से। लेकिन घड़ियालू आंसू बहाने के लिए चुनाव से 4 दिन पहले वहां पर एक वहां पर पत्रकार जो अपनी स्क्रिप्टेड रिपोर्ट्स लेकर जाते हैं उनके सामने घड़ियाली आंसू बहाते हैं। लेकिन आलोक जी दिक्कत ये भी तो है, आलोक जी दिक्कत ये भी तो है कि जीएसटी हो या नोटबंदी हो, इसे कांग्रेस जनता को कन्वे नहीं कर पाती सर। अब वो तो फेल हो चुका सर, 2019 में फेल हो चुका। ये भी तो दिक्कत है सर, जनता को आप भी तो नहीं समझा पाते। अगर मोदी जी जनता को बरगला रहे हैं तो आप भी तो नहीं जनता को कन्विंस कर पा रहे। बोलने नहीं देंगे। बोलिए बोलिए ना सर, मुझे बोलने नहीं देंगे। मैं तो आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ सर। अरे सुनिए ना भाई, जरा बोलिए ना, सुनिए ना आप। सवाल नोटबंदी पे जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। नोटबंदी के आंकड़े 1.25 साल बाद आए, जब गुजरात का चुनाव हो गया 2017 का। उससे पहले आंकड़े रिलीज नहीं किए, किसी मीडिया हाउस की हिम्मत नहीं हुई कि उस पर डिबेट कर दे कि आरबीआई को 1 साल से ज्यादा क्यों लगा आंकड़े देने में। दूसरी बात, आज मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही, आपके पास उत्तर नहीं। जब राजनीतिक नौटंकी, गोदी मीडिया और वोटिंग का दिन, ये तीनों का घालमेल होता है तो सवाल उठेंगे। अच्छा, हालत यह है कि अगर साधना का, हमें साधना से आपत्ति नहीं, झूठा व्यक्ति भी साधना करे हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उस साधना के ऊपर जब हिंदुस्तान का मीडिया मुजरा करे हमें उस पर आपत्ति। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।